सत श्री अकाल, तुसीं जुड़ चुके हो प्राइम एशिया टीवी दे नाल। मैं हां नवजीत ते प्रोग्राम दा नाम है प्राइम डिस्कशन विद जतिंदर पन्नू। पूरा हफ्ता पन्नू साहब दा साथ हुंदा है, कोशिश करीदी है कि जो कुछ भी 24 घंटे विच वापरिया हुंदा तुहाडे सामने रखिए। पन्नू साहब अपने तरीके नाल खबरां ते चर्चा करदे ने। पन्नू साहब नाल ने सब तो पहला उन्हां दा स्वागत, फिर करदे खबरां ते चर्चा। पन्नू साहब स्वागत जी, सत श्री अकाल जी। शुक्रिया नवजीत जी, सत श्री अकाल। पन्नू साहब घपलियां तो शुरुआत करनी है क्योंकि भारत विच बहुत सारे घपले हुंदे रहिंदे आ। अज दो घपले आ, कहना चाहते पन्नू साहब कुछ लगता घपलियां ते दो दे चार कर लो, घपले घपले आ जी। अगे कहंदे हुंदे सी इट पुट्टियां चोर निकलदा, अजकल घपले पुट्टण दी खेचल नहीं करनी पैंदी जी। चोर इदां सड़कां ते तुरे फिरदे आ जिवें बरसात च डड्डू बदो बदी गड्डियां थले आउंदे जी। हर कोई चोर थापियां मार के पुलिस नूं कहंदा आजो फड़ दो, फड़ लो हैगी मत फड़ लो। और हर राज विच ने, इत्थों पंजाब तो लैके ते पश्चिमी बंगाल तक, कश्मीर तो केरला तक चोर ही चोर आ। अजे भी रुकावट नहीं, ये दिल मांगे मोर, भारत में अजे होर चोरां दी लोड़ जी। पर साहब फिर पंजाब तो शुरुआत करनी है, बाद दिल्ली जाना। पंजाब च नैब तहसीलदारां दी भर्ती हुई, कहते बहुत वड्डा घपला है। दो जणियां नूं गिरफ्तार किया जिहड़े नवे तहसीलदार बने सी, एक पहले रैंक वाला ते दूजा तुसीं दस्सो मामला पूरा की है जी। एक घपला थोड़ा, ये तो मैं घपली जी है जी। घपला तो वो सी जिहड़ा 2002 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने फड़िया सी। साडे पत्रकार भाईचारे चों हुंदा सी रविंद्रपाल सिंह सिद्धू उर्फ रवि सिद्धू जी जी, जिन्होंने इधरों उधरों दा घा ला के उन्हें एक मुख मंत्री नूं मूर्ख बनाया तो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन गया जी। फिर उन्हें चेयर इहो जी घुमाई कि कोई पासा छड्डिया ही नहीं। नोटां बदले नौकरियां इदां कि जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा। जे तां तुसीं दे दिओ करोड़ां च ते बच्चा सीधा PCS ते मुड़ के हौली हौली IAS बन जाओ ते तां चढ़ जाओ। थोड़ी जी कसर होवे ते जुडिशल जज भी लवा दिंदा सी जी। जे इन्हां दोआं तो थोड़ा थल्ले होवे ते DSP, डॉक्टर भर्ती कीते, नैब तहसीलदार, BDO किहड़ा थां सी जिथे उन्हें कसर छड्डी। तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई तो फड़िया गया, वह बैंक का लाकर फोड़िया तो इन्ने नोट निकले कि बैंक के फर्श के उत्ते दरी वांग वेच गए जी। सारे देश अखां खुलियां रह गई। वो सी सब तो वड्डा घपला। उसके बाद भी बड़े घपले निकले। हुण वाला घपला यह आ कि वही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, नैब तहसीलदारां की भर्ती हुई। उन्होंने इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस की कहते मदद ली, पता ही नहीं लगन दिता। अंदरों चुप चपीते जोड़ा क्वेश्चन पेपर से फोटो करके बाहर भेजते सी ते बाहरले उहदे अर्थ कढ़ के सारे सवाल कढ़ के आंसर उन्होंने भेज दिंदे सी ते ओह करी जांदे सी। आखण नूं ते आ कि पता नहीं लगन दिता, पर सच्ची गल इह है कि मूँह खांदा अखां शर्माउंदियां ने। रूसिया ने एक बार अमरीका वालों का जहाज़ उतार लिया सी ते सारी दुनिया च धुम पै गई कि रूसिया ने इहो जी टकनीक बनाई आ कि अमरीका के पायलट को पता ही नहीं लगा। उन्होंने हौली हौली लिया के जो रनवे ते उतार लिया तो उन्होंने फिर पता लगा मैं रूस के रनवे ते उतर गया। तो कई साल बाद गल खुली सी कि जदों उन्होंने इंटरनेशनल फ्रीकुएंसी बंद कर रशियन फ्रीकुएंसी ते आख्या ना कि तेनों मिजाइल मार के लगे आ डिगण, तो उन्होंने जान प्यारी सी, उन्हें आख्या डिग्गो ना मैं आपे उत्तर आना जी। तो बहाना यह बनाता कि टकनीक ही साढ़े को इन्नी आ कि पता नहीं लगन दिता। हुण इत्थे भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कहते जी टकनीक ही इदां दी सी, उन्होंने पता ही नहीं लगा की हो गया जी। सब पता लगदा, बिल्कुल जे बाहर पता लग गया गल खुल गई, तुहानूं पता किद्दां नहीं लगदा। इदां दे काले माले तो कई बार होए आ। हुण फिर वो काला माला होया, उहदे च अजे मुढले तौर पर दो नैब तहसीलदार फड़े गए। ये फड़े जाण नाल गल मुक्की नहीं, सिरे नहीं लगी जी। इहदे नाल तां कहानी अजे शुरू होई आ, अगलियां दिनां च कुछ होर फड़े जाणगे। ते मैं समझदा कि चलदिआं चलदिआं उपरलियां तक भी जाणी चाहीदी है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन च पता नहीं किहदियां किहदियां सिफारिशां नाल कौन कौन आ के लग जांदे आ। कई इस तरह दे बंदे भी असीं लगदे वेखे आ जिन्होंने उदा जे किते इंटरव्यू देण जाण ते किसी दफ्तर दे विच किसी ने स्टैनो नहीं रखना, वो उत्थे जाके पब्लिक सर्विस कमीशन दे मैंबर बन जाते हैं। संविधानिक पोस्टां जजां दे बराबर दियां ऐश करते हैं, तो मुड़ के उहदे सिर ते उडारियां मारते हैं। किसी लीडर का पुत्र होवे नूंह होवे मैंबर बना दिते जाते हैं, कोई भतीजा होवे कोई झोली चुक बस्ता चुक भी ला दिता जाता। बड़े किस्म के लगते रहे पर सारे तो नहीं इहो जिहे लगते, उन्हें कुछ चंगे भी होंदे सी जी, जिहड़े चंगे सी वो दूजियां दे कई बार दबाव थले आ जाते सी पर फिर भी कई थावां ते अड़ जाते सी। हुण जिहड़ा काला माला होया इहदे तो बाद छाणा लगना चाहिए। उत्थे जे कोई उन्हां दे विचों बोर्ड विच कमीशन च माड़ा बंदा वो भी सामने लिआउणा चाहिए, जे कमीशन दे अधिकारी कोई नाल रले ने वो भी लिआउणे चाहिए। मसला सिर्फ दो नायब तहसीलदार तक नहीं छड्डना चाहिए जी, ये मत समझो कि पता नहीं लगा, पता लग जाता। पंच साहब एक पता होर लगे जी, ABG शिपयार्ड कंपनी है उनका भी घपला बहुत वड्डा सामने आया, भारत के वड्डे घपलों के विच इक है। वैसे वड्डा घपला पन्नू साहब है कि 9,000 करोड़ रुपए का विजय मालिया का, 14,000 करोड़ रुपए का नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, यह भी 23,000 करोड़ रुपए का। ललित मोदी उन्होंने भी थोड़ा जिहा वड्डा सी जी। ये जिहड़ा ABG शिपयार्ड घोटाला जी 2019 इहदी गल खुली सी ते पड़ताल शुरू हुई सी। ये 22,842 करोड़ रुपये का घोटाला है। वाह। तो ये 28 बैंकों नाल ठगी हुई है, जिन्हों चो बहुतियां सरकारी ने जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कली 2,480 करोड़ की ठगी तो उहदे नाल कीती है, तो इधर उधर के पैसे पा के 2,500 करोड़ तो टपदी है। ये बाहर के बाहर किद्दां कर जांदे, अफसरां नाल रले बगैर तो नहीं हो सकता। नीरव मोदी और की करते सी, अफसरां नाल अख रली सी। जिहड़ी इत्थे ट्रांजैक्शन हुंदी ते करोड़ों की ट्रांजैक्शन बैंक मैनेजर पास नहीं कर सकता, रीजनल मैनेजर पास नहीं कर सकता, उपरों हैड ऑफिस तो होनी है। हैड ऑफिस वाले तो पासवर्ड ले ले, आपे ट्रांजैक्शन करते सी ते आपे पासवर्ड पा के ते सारा कुछ करी जांदे सी। उस बंदे ने अपने पासवर्ड पुरन खाते 'च देते सी, पहलां उहदा माल खरा कर लिया होवेगा कि कल नूं जे कोई गल होई मेरे गल गुलामा पैणा इन्ने पैसे दे ले लिया होवेगा। ऐसा उदां तां नहीं हो सकदा। ये इत्थे जिहड़ा आ घटाला होया इह स्टेट बैंक दे अफसर किद्दां नहीं रले हो सकदे। बाकी बैंकां भारत दीयां 28 बैंकां जिहड़ियां ने वो शामिल है। नरेंद्र मोदी साहब ने आख्या सी मैं आ गया तो विदेश तो काला धन लिआऊंगा। इन्हां नूं आया नूं 3 महीने होए सी जदों पहला घोटाला होया सी 5,000 करोड़ रुपये का, तो वह पंजाब नैशनल बैंक में होया सी जी, वो भी सरकारी खाते का सी जी। इन्हां दा सरकारी बैंक सी, प्रधानमंत्री दे हुंदियां ही हो गया। उदों बाद घपले ते घपला, आ जिहड़ा ABG शिपयार्ड घपला 2019 तो पड़ताल शुरू हुई। फरवरी 2022 इस साल ये पड़ताल थोड़ी जी सिरे लगी तो केस दर्ज होया। आ हुणे जिहड़ा सितंबर लंघिया उस तो बाद अक्तूबर ते नवंबर ही लंघे आ। 2 महीने पहला उन्होंने जिहड़ा वो ABG शिपयार्ड का सब तो मोहरी बंदा सी ऋषि अग्रवाल, उन्होंने गिरफ्तार किया गया। कल वो चार्जशीट पेश हो गई है। चार्जशीट पेश होने की खबर किसी इक्का दुक्का अखबार ने लाई, बाकिया ने नहीं लाई जी। ये घपलियां दीयां खबरां अखबारां साडा मीडिया लुकाउंदा क्यों? इत्थे वड्डियां वड्डियां खबरां जिहड़ियां ने वो लुका दिंदे आ ते दिल्ली च कोई कतूरा गड्डी थले आके मर जावे ते 3 दिन उस कतूरे दे नैण नक्शी मुड़ मुड़ के दसी जांदे इदां दा सी, बड़ियां उहदियां अखां सोहणियां सी, है तां देसी सी पर जर्मनां नूं ते फ्रांस वाले कुत्तियां नूं मात करदा सी। इत्थों दी खबर होवे ते लुका जांदे ने। हुण भी ABG शिपयार्ड का घोटाला जिहड़ा उहदी खबर लुकाई जा रही है। इत्थे लोकां नूं पता ही नहीं कि ऋषि अग्रवाल वो अग्रवाल ज़्यादा सी कि ऋषि ज़्यादा सी। और ऋषि मुनि इदां दे भी आ जाते हैं जी जिहड़े आ कुछ करते पे। और ललित मोदी, गलत मोदी, मेहुल चौकसी, चौकसी तो सरकार ने रखनी है, तो वो अपनी चौकसी वरत के राह पिया। बिल्कुल जी। ये सारे किन्ने ने, इन्हां सारियां दे मामले च सख्ती करनी पऊ। बदकिस्मती नाल जिन्हां सख्ती करनी है वो गल्लां ज़्यादियां करदे आ, इन्हां मामलिਆਂ 'च सख्ती नहीं कर रहे। पंच साहब कभी कभी जिन्हें सख्ती करनी होंगी वो कहिंदे सिक्योरिटी भी दे देंदे आ। खबर हरियाणे तो आ, बंदे दी 15,000 रुपया तनख्वाह सी, ड्राइवर सी, पर एक कारोबार चलता पाया नजायज़ शराब का, कहिंदे 110 करोड़ रुपए का कारोबार हो गया। जो खुलासा होया तो वह दौड़ के मंत्री साहब को चल गया, अगले कहिंदे पुलिस की सिक्योरिटी दो। ये मामला की है जी? देखो उन्होंने पता ही नहीं कि मैं इन्ने पैसों का मालिक जी। अगले दस्खत कराई जाते सी, करी चल महीने पिछों एक पेटी शराब की दे देंदे होणगे खाण पीण नूं, दो पेटियां रिश्तेदारां वास्ते दे देंदे होणगे। ढाबे वाला नूं आख्या होगा जिन्ना मीट खांदा खाण दिओ, घर दे राशन जावे ते रोकिओ ना। पर करोड़ों रुपये का वो मालक बन गया। इन्ने चिर तक उन्होंने पता ही नहीं लगा। हुण एक थां ते ट्रक फड़िया गया, उन्होंने घेर लिया। घेरे जाने तो बाद भज्जा तो उत्थों जाके उन्हें हरियाणे के गृह मंत्री अनिल विज नूं आख्या, क्या इदां दी कहानी है जी, मैनू फड़ी फिरदे आ कारोबार तो फलाने फलाने बंदियां दा शराब दा, मैं तो कारोबार करदा नहीं, मैं तो उन्हां दा ड्राइवर हाँ। मेरा घर जाके वेख लो, मेरी रोटी मसां पकदी है, तो ये जिहड़ी रोटी मसां पकदी है उहदे घर इन्ने हज़ार करोड़ रुपये वो कित्थों आ गए तो कित्थे चले गए। हुण इहो जिहे मामले 'च चिंता ये हुंदी है कि मुकदमे का पट्ठा बिठाउण वास्ते किते बंदे नूं रातों रात रब नूं प्यारा ना कर देण। हरियाणे के गृह मंत्री ने उस वेले SSP नूं सारिआं नूं आखिआ इहदी सिक्योरिटी का प्रबंध करो, ये नाल सिक्योरिटी लाओ, ये घर से सिक्योरिटी लाओ जी, इनू कुछ होना नहीं चाहिए। मैनू नहीं पता कि हरियाणा सरकार सची मुची उन्होंने कितनी सिक्योरिटी दिंदी है तो विखावे दीयां गल्लां कितनियां करदी है, ये बाद पता लगता हुंदा। जे उन्होंने लिया के जेल च भी ताड़ दिता जाए, सिक्योरिटी भी देती जाए, बंदे सिक्योरिटी च मरदे अगे नहीं वेखे जी। बंदा जदों किसी पासे ही लाउणा होवे तो तां सवेर नूं यह भी आख्या जा सकता बाथरूम च डिग के पैर ते लिक के मर गया सी, बिल्कुल। ये भी आख्या जा सकता कि सर्दियां दे दिन इहदे घर गैस वाला गीजर लगा सी, अगे भी गैस लीक होके कई लोग मरे आ, यह भी मर गया जी, गैस लीक हो गई सी। उन्होंने फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तुरिया जाते रस्ते च कोई ट्रक वाला साइड मार के उन्होंने मार सकता, 100 तरीके होंदे। गृह मंत्री साहब ने कहता कि इहदे नाल सिक्योरिटी ला दिओ, जिहड़ा करन वाला काम है वो क्यों नहीं किया कि जिन्हां दे नां ते गोदाम ने, जिन्हां दा कारोबार है, जदों ड्राइवर दस्सण दिया खड़े पैर उन्हां सारिआं दी अरैसट, उन्हां सारिआं दी गिरफ्तारी दा आर्डर क्यों नहीं दिता गया। वो आर्डर दिता जाए, नाल ही कहता जाए कि जे कल नूं ये बेगुनाह साबित होए ते छड्डे जाणगे, जे बेगुनाह साबित ना होए ते अंदर रहणगे, उन्ना चिर तक केस इन्वैसटीगेशन तो होने दो। वो आर्डर अज नहीं होया। ये असी हरियाणे की खबर वेख के बहुत हैरान ना होइए जी। साडे पंजाब विच इदां दे बहुत लोग ने, घर दे विच आंडे तलन वास्ते ते रात नूं पैग पा के फड़ाउण वास्ते जिहड़ा नेपाली गोरखा रखिआ उहदे नां ते भी लोकी कारोबार करी जांदे, पंजाब विच भी करदे। इत्थे बहुत सारे अफसर है जिन्हां ने अपने नौकरां ते नौकरानियां दे नां दे उत्ते करोड़ों के सौदे किए। एक केस तो अजकल शायद वो CBI कोल है जां पंजाब दी विजिलेंस कोल, जदों एयरपोर्ट बनता पिया सी जी, एक अफसर जिहदी सारे पासे तूती बोलदी सी, उहदे कोल PA जां सैकटरी सी एक बीबी, उहदे नां दे उत्ते करोड़ों रुपये का बैंक च लैण देण होया। उहदे नां ते पहलां जमीन बहुत सस्ती खरीदी गई, फिर अक्वायर करा के बहुत करोड़ों रुपये उहदे नां ते लै गए, उन्होंने बैंक च भेज के उत्थों सारे पैसे चैक ते दस्तखत करा ले, पैसे कैश करा के आप लै आंदे। जदों पुछ पड़ताल होई तो पेशियां वो बीबी भरती पई है जिहदे घर दवानी नहीं गई, तो जिहड़े अफसर ने सारा कुछ कीता कराया बीबी पिटदी है जी, ना मेरे को पहला पैसा सी, ना मेरे को हुण पैसा, ना मेरी को पहला जायदाद सी, ना हुण आ, मेरे बैंक खात्यां 'च वेख लो कख नहीं, वो ट्रांजैक्शनां इदां आईयां उत्थे गईयां। जिहड़े बंदियां ने मेरा खाता खिलाउण वास्ते गवाही पाई सी, जिन्हां ने मेरे नां ते जमीन खरीदी सी, जिहड़े मेरे नां दे उत्ते वेचण वास्ते गए, मेरे तो पावर ऑफ अटारनी लिखा के साहब ने भेज दित्ती सी, जाके उन्हां नूं फड़ लओ। इदां दे काम साडे पंजाब 'च होंदे ने। जिहड़ी गल मैं शुरू 'च आखी सी कि अजकल वो इट पुट्टिआं चोर वाली गल ते है ही नहीं, हुण तां इट्टां पुट्टण दी लोड़ नहीं, चार चफेरे चोर ही चोर आ। वो जमाना गया जदों कहिंदे हुंदे सां फलाना बड़ा बेईमान है जी, हुण तां नवां युग आ गया जिह च कहिंदे फलाना बड़ा बेवकूफ आ, अजे तक ईमानदारी दीआं गल्लां जिही करी जांदा जी। उदों जिहड़ा बेईमानी करन वाला सी वो ब्लैक शेप सी, काली पेड़ हुंदा सी, ਹੁਣ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? एक सियासी पार्टी समता पार्टी है शायद, उन्होंने जाके आख्या कि फलाना चोन निशान तुसी फलानी पार्टी नू दे रहे हो, वो ना दो, ये चोन निशान साडा। अगों चोन कमीशन ने सारी सुनवाई तो बाद एक कहता तुहाडी पार्टी बनी सी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बनाई सी, वो पार्टी गई टुट गई, हुण वो पार्टी नहीं रह गई। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ते नीतीश कुमार जॉर्ज ते हुण तुहाडी पार्टी का मुखी नहीं, पार्टी भी है नहीं। नीतीश कुमार वो पार्टी छड्ड के जनता दल यू बना के बह गया। उस पार्टी का जो चोन निशान सी, जो पार्टी नहीं रही तो चोन निशान कादा रह गया? ये चोन निशान उहदे नाल खत्म हो गया सी। वो कहंदे जी क्योंकि ये चोन निशान साडी पार्टी के नां नाल जुड़िया, इस करके किसी नूं ना दिता जाए। चोन कमीशन ने आख्या कि चोन निशान किसी पार्टी की प्रापर्टी, उहदी जायदाद नहीं हुंदा कि वो ना रजिस्टर हो गया तो और किसी ने मिल नहीं सकता। जी आसाम वाले पासे एक पार्टी का चोन निशान हाथी है, पर बाकी सारे हिंदुस्तान दे विच हाथी चोन निशान बहुजन समाज पार्टी नूं। वो पार्टी भी खेतरी पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी चली है भी यूपी दे विच ते पंजाब च खेतरी पार्टी सी, बाद च नैशनल पार्टी बन गई। जो इहदा नैशनल वर्गा प्रभाव हो गया, इन्हों वो हाथी चोन निशान सारे देश च मिलता गया, उस पासे नहीं मिल सकिया। साढ़े पंजाब च होया 1952 1957 1962 तक अकाली दल का चोन निशान पंजा सी। जी असी बचपन च सुनते होंदे सां, कहंदे होंदे सी बाबे नानक दा पंजा। कांग्रेस का चोन निशान दो बलदां दी जोड़ी हुंदा सी। फिर अकाली पाट गए, 1967 च दो धड़े बन गए। फिर संत फतेह सिंह वाला तकड़ी दे चोन निशान वाला धड़ा अगे लंघ गया, इन्हां आखिया तकड़ी बाबे नानक दी है, पंजा सीज हो गया। 69 च कांग्रेस पार्ट गई, इहदा जिहड़ा दो बलदां दी जोड़ी दा चोण निशान सी वो पुरानी कांग्रेस कोल रह गया, जिहड़ी सिंडीकेट कांग्रेस कहिंदे सी। दूसरी दा नां इंडिया कांग्रेस रखिया, लोकां ने सिंडीकेट दे बराबर ते उहनूं इंडीकेट कांग्रेस कहता। उहड़ी दूसरी बणी दो बलदां दी जोड़ी दे मुकाबले उहनूं फिर गां ते बच्चे दा चोण निशान मिल गया। 1980 च आके वो पार्टी फिर पाट के दो हो गई, पाट गई सी 77 च। 80 च जाके जो नवी कांग्रेस पार्टी, हुण वाली कांग्रेस पार्टी दोबारा रजिस्टर कराई इंदिरा गांधी की अगवाई च, तो जोड़ा अकालियां का पुराना चोण निशान पंजा हुंदा सी उन्हां तो खो लिया सी, वो कांग्रेस नूं लाट हो गया। जोड़ा कदे पहला 15 साल अकालियां कोल रह चुका चोण निशान सी, वो कांग्रेस नूं लाट हो गया। जो अकालियां कोल सी उदों बाबे नानक का पंजा सी, जो कांग्रेस को चला उदों ये ना होर ना रखने शुरू करते। ये सारा कुछ असी बथेरे तमाशे वेखे हुए। चोण कमीशन ठीक कहता, वो जो पार्टी नहीं रही तो चोण निशान कादा। उहदे तो बाद चोण कमीशन की मर्जी है कि उन्हें चोण कमीशन ने वो निशान किहड़ी पार्टी नूं देना जिहड़ा निशान विला हो चुका। पिछले समय कई पार्टियां दे इस तरह ਟੁੱਟਣ तो बाद निशान वेले होए तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੀਫੰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ कि कोई वोट बैल्ट पेपर नहीं सी हुंदे, एक परदा लगा हुंदा सी, उहदे पिछले पासे 10-12 पीपे रखे हुंदे सी। एक पीपे ते पंजे दा चोण निशान ए जी अकालियां दा, एक पीपे दे उत्ते दो बलदां दी जोड़ी दा निशान ए जी कांग्रेस दा, एक दे उत्ते दातरी सिटा ए जी कामरेडां दा। लोकी पिछे जांदे हुंदे सी, मोहर लाउण दी लोड़ नहीं, पीपा वेंदे किहड़े निशान वाला, उह च जाके पर्ची सुट आउंदे हुंदे सी। जिहड़ियां आ बैल्ट पेपर वालियां गल्लां ने ये 1962 तो जाके 1967 च शुरू होईयां, तो हुण बैल्ट पेपर भी नहीं कि हुण तो इलैक्ट्रॉनिक मशीन, कितना कुछ चेंज होंदी जा रही है। तो आ वोटरां दे चोण निशान वगैरह दे पार्टियां दे सवाल दे उत्ते कोई मुद्दा नहीं गा, एवें बदो बदी को बनाउंदा बनाई जावे। चोण कमीशन ठीक आ कि ये किसी दा कोई प्रॉपर्टी नहीं हुंदी। जी ਪੰਨ ਸਾਹਿਬ एक पत्रकार सी जमाल खशोगी ਉਹਦਾ कतल होया सी। अमरीका ने इस मामले ਵਿੱਚ ਹੁਣ सऊदी क्राउन प्रिंस ਨੂੰ क्लीन चिट दे दी है। मामला की ਸੀਗਾ हवाले जिस हिसाब ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? जमाल खशोगी पिछों सऊदी अरब ਦਾ ਸੀ जी, अमरीका चला गया, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ले ली, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਰਕੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ सऊदी अरब ਦਾ। सऊदी अरब ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਗਿਆ तुर्की, अजकल उसका नवा ना तुर्की है, तुर्की है। वो जो तुर्की है गया उत्थे उन्हां दी एम्बैसी चला गया, बाहर नहीं आया, अंदर अंदर ही गैप कर दिता गया। रौला पिया, उन्हें मारता, पहला तो मनते नहीं सी मारिया, फिर पता लगा मारिया नहीं मरवाया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का नाम लगन लग पाया, सारे पासे रौला पैंदा रहा। उहदे वारंट कई कुछ आखण जी जारी करो, कुछ नहीं होया। ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਬਰਟ ਮੁਗਾਬੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ नरेंद्र मोदी ने अमरीका का वीज़ा मंगया, असी नहीं सी दिता, इनू भी इस लिस्ट में पाया सी। पर जो प्रधानमंत्री बन गया फिर असी कढ़ता, तो हुण साडे फ्रेंडली रिलेशन है। इस तरह ही सऊदी अरब के इस क्राउन प्रिंस नूं भी उन्हां केसां वांग ही असी उस हवाले नाल इस लिस्ट विचों कढ़ रहे हैं। हुण इह उन्हां दिल्लियां जो मर्जी दित्तियां, हुण देण दी लोड़ नहीं सी, कढ़ना तुसीं कढ़ दिओ, विच आ पिछलियां दे मेहणे कानून दिंदे पए हो जी, पर दित्ते उन्हां इस करके कि भी अपना रिकॉर्ड साफ करना चाहुंदे आ। सो क्राउन प्रिंस इस वे क्राउन प्रिंस नहीं रह गया, अपने बाप की थां ते, बाप तो बजुर्ग गया 86 साल, वो थां ते सऊदी अरब की सरकार नूं वो चला रहा, तो अमरीका संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता, इस करके उस चों कढ़ दिता जी। पंन साहब समा होर इजाजत नहीं दिंदा, तुसीं चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मेहरबानी। सो अज दे इस खास प्रोग्राम इत्थे समाप्त करदे हां। हुण मैनूं नवजीत नूं दिओ इजाजत। देखते रहो प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना, तुहाडे लई।